हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल सीएफओस जीएसटी लर्निंग सीरीज। आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग की डेट, फर्स्ट रिटर्न की डेट नज़दीक आ रही है। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि टैक्स कैसे पेमेंट करना है, क्या क्रेडिट लेज़र है, क्या कैश लेज़र है। तो आज मैं आपको ये लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जीएसटी रिज्यूम में देर आर टू टाइप्स ऑफ लेज़र। आपके पोर्टल पर आप जाओगे तो आपको दो लेज़र दिखेंगे, एक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, एक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। जैसा कि नाम से दिख रहा है, क्रेडिट लेज़र जिसके अंदर आपके कुछ जमा पड़े रहेंगे, कैश लेज़र यानी जिसमें आप कुछ कैश डिपॉजिट करते हो, कैश लेज़र वो होगा। तो एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र ये क्या है? इट विल फिल्ड बाई इनपुट टैक्स। जो भी आप परचेज करते वक्त या कोई एक्सपेंसेस करते वक्त टैक्स पेमेंट करते हो सप्लायर को, या जिससे एक्सपेंसेस कुछ भी खरीद रहे, सर्विस ले रहे हो या कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, वहाँ पर आप अगर कोई टैक्स दे रहे हो, वो टैक्स अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में आता है तो वो इस लेज़र के अंदर आपके आ जाएगा। दिस क्रेडिट विल बी अवेलेबल वंस यू आप टेबल 4 of 3B की भरते हो एंड GSTR 2 जब आप फिलअप करते हो। ये अमाउंट जब आप उस इन दोनों में भरते हो तो ये इस लेज़र के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आप कोई कैश अमाउंट भर नहीं सकते हो, ये क्रेडिट लेज़र ही है। इसके अंदर जो आपको क्रेडिट मिलने वाली है वही अमाउंट ऑफ टैक्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र क्या है? इट विल फिल्ड अप व्हेन पेमेंट इज डन थ्रू चालान। आप चालान बनाएंगे पोर्टल पे एंड जब आप पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट सबसे पहले आपके इस कैश लेज़र के अंदर आएगा। ये आपका एक वॉलेट की तरह वर्क करेगा, आपकी इस वॉलेट के अंदर कैश बैलेंस पड़ा रहेगा जिसको आपको पेमेंट के समय यूज़ करना होगा। क्योंकि पेमेंट के वक्त आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आप क्रेडिट लेज़र यूज़ करो एंड या कैश लेज़र यूज़ करो। अब कुछ पॉइंट्स हैं इस चालान सिस्टम की, वो आप नोट कर लें। जब भी आप रिटर्न भरें प्लीज़ लोड अमाउंट वाइजली, क्योंकि CGST, SGST, IGST एंड सेस को सेट ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर हमने एक वीडियो दे रखा है, आप प्लीज़ उसे देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। दूसरा पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3, जब आप GSTR 3 भरते हो एंड आपका रिफंड का केस बनता है, इन दैट केस आप चाहो तो रिफंड आप अपने कैश लेज़र में ले सकते हो, और आप उसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ बचा हुआ है उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। चालान पेमेंट कैन बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो, नेफ्ट कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो एंड कैश से भी कर सकते हो। जब भी आप कैश से पेमेंट करते हो चालान का, आप बैंक में जा कर के तभी कर सकते हो। 10,000 के ऊपर का आप नहीं कर सकते, 10,000 के नीचे कोई टैक्स की लाइबिलिटी है, आप चालान के थ्रू बैंक में कैश पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफ़र जो भी आप कर रहे हो वो ऑलमोस्ट within 2 hours आपके कैश लेज़र में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ताकि आप within 2 hours आप उस लाइबिलिटी को पेमेंट कर सको। GST सिस्टम टोटली चालान बेस्ड चल रहा है। अब चालान सिस्टम कैसे प्रोसेस फ्लो है मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। चालान आपको पोर्टल पर जाकर के क्रिएट करना होगा GST पोर्टल के ऊपर। चालान क्रिएट करते वक्त आप उसे सेव भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई काम आ गया हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपने जितना क्रिएट किया उसे आप सेव करके रख सकते हैं, जिसे आप लेटर ऑन एडिट कर सकते हैं। वंस चालान क्रिएट, आपने क्रिएट कर लिया, ये चालान आपके लिए वैलिड नेक्स्ट 7 days तक रहेगा। within 7 days तक आप इसको सबमिट करना है। आप चालान क्रिएशन करने के बाद उसे जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक CPIN नंबर्स मिलेंगे, जनरेट होंगे। वो CPIN विल बी वैलिड टिल नेक्स्ट 15 days, 15 days के लिए वो वैलिड रहेंगे, 15 days के लिए। अगर 15 दिन तक आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। आफ्टर CPIN जनरेशन यू कैन नॉट एडिट द चालान। CPIN एक बार जनरेट हो गया तो आप चालान को एडिट नहीं कर सकते। अब आप इस CPIN के माध्यम से नंबर के थ्रू इस टैक्स का पेमेंट करें। पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कैश लेज़र का यूज़ करें या क्रेडिट लेज़र का यूज़ करें। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो अकॉर्डिंगली आप इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, यू प्लीज़ कॉमेंट अस फॉर एनी क्वेरीज। गुड बाय।